अब एक दूसरी बात हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब समझ लीजिए तार, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक दो सेगमेंट जो इंटरेस्टिंग भी है सरल भी है, और अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैं फिल्म की स्टोरी सुनाता मिलूंगा इसकी, आपकी समझ में आना 100% गारंटेड है, हो नहीं सकता समझ में ना है, बस आपको मेरी बात सुननी है इच्छा से, मतलब ऐसा नहीं नाम नहीं लिया मैंने किसी का, आप समझ गए वैसे। चलिए आगे बात करते हैं लोग, देखिए हंस रहे खुद भी। फोर्सन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन अच्छी शब्दों को हम लोग डेली यूज में बोल देने वाले शब्दों में समझाएंगे तो आपको फील मिलेगा। फील समझते हैं ना, जैसे कोई आके इंग्लिश बोले लखनऊ वालों से तो समझ में सब आता, फीलिंग नहीं आती, और जो हिंदी में बात करते हैं तो बड़ा फील आता, और अपनी लखनवी अंदाज में बोले तो एकदम मजा ही आ जाता होता है ना, तो इसको हम लोग लखनऊ अंदाज में समझते हैं। पॉइंट क्या, फोर्स, फोर्स मतलब बल, धक्का मुक्की, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। कंडक्टर मतलब समझ लीजिए तार, बिजली का तार होता है यही जो घर में लगा वही समझ लो कम से कम, ठीक। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ साउथ पोल रखें दो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं बोलेगा, राजनंदी किधर से किधर है, एक मिनट ऐसे बेटा ये हाँ फिर कैसे, ये अरे गलत बता दिया तुमने, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ को जाते हुए लूप बनाती, खत्म नहीं होती है। किताब में थोड़ा सही ढंग से नहीं प्रस्तुत है ना, तो नॉर्थ ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोला था कि बी से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहो तो एरो लगा दो, चाहो क्या लगना चाहिए, बी किसका सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसमें एक तार लिया हमने, और ये कहानी कैसे, ये समझ लीजिए नॉर्थ और साउथ पोल है, मेरी दो उंगलियां अंगूठा दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ साउथ रखे हैं ऐसे समझ लो, और ये बीच में कंडक्टर है, अब इस तार को हिलाने लगे ऐसे हम ऊपर नीचे, समझ पा रहे ना मेरी बात, ये पोल, तो हम क्या देखते हैं कि अभी हिलाओ नहीं, हिलाने में तो दूसरा काम हो जाएगा, अभी केवल रखा है, और रखने पे करंट फ्लो की, तो इस तार के ऊपर फोर्स लगता है, झटका खाने लगता है। फिर से एक बार, अगर ये नॉर्थ साउथ है, इसमें तार डाला है जिसमें करंट फ्लो कराने लगे, तो ये तार उछल के बाहर आ जाएगा, इट दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए सर्टन फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है ये कोर्स में नहीं है, ट्वेल्थ में सीखेंगे आप, डायरेक्शन क्या होता है वो सीखेंगे भाई। फोर्स जब भी आप नाम लेंगे ना, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी यही तो होती है, सब मेरी बात से सहमत है कि कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो कितनी है ये जानकारी 12वें दर्जे में मिलेगी, अभी नहीं बताया जाएगा आपको, कोर्स के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है यह पता कर लेंगे हम लोग ये कोर्स में, पावरफुल फोर्स, पावरफुल का मतलब पावर, आपकी भावनाओं को हम समझ गए हैं, इनका सब्सटेंशियल फोर्स होता है, आपको उस फोर्स की वजह से मूवमेंट दिखता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना पावरफुल, जैसे अभी जो अपने पास साक्षी आई हैं, अगर हम बोलें कि साक्षी इज मोर पावरफुल देन अनन्या, देन इट इज करेक्ट, समझिएगा, अगर बोले साक्षी इज पावरफुल तो इससे हम क्या समझेंगे, किससे पावरफुल, कि दुनिया में सबसे पावरफुल, पावरफुल पावरफुल इज ए रिलेटिव टर्म, हम कहें कि गौरी इज ए गुड स्टूडेंट,
इन जनरल बात समझ में आती पढ़ने में अच्छी है, वरना किसी से कितनी अच्छी बताना पड़ जाएगा। हो सकता है किसी से अच्छी हो सकता है बहुतों की तरफ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, पावरफुल पूछने का आपका मतलब शायद यही था कि आप ये समझना चाहती थी क्या सब्सटेंशियल फोर्स है, क्या उसका इफेक्ट नॉर्मल तौर पे विजिबल रहता है ना, तो रहता है। अगर यहाँ पे एक अभी एक्सपेरिमेंट भी बनाएंगे, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, इस तार को रखेंगे अगर हम लोग, खुशी मेरे साथ हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक तार डाला है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। इस तार में अगर करंट फ्लो करेंगे तो ये तार फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उछल जाएगा ऊपर या नीचे, कहाँ उछलेगा भी देखेंगे हम लोग। तो ये कहानी होती है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसको और अच्छी तरह देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किधर लगता है, इसके लिए एक रूल है, फ्लेमिंग रिएक्टेंट रूल अभी सीखेंगे, अभी एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं आपके सामने, इस रूल को अभी सीखेंगे हम लोग, या सीखना चाहें तो अभी सीख सकते हैं। लगे यार हम लोग सब लोग लेफ्ट हैंड लेके आए होंगे, भूलने की गुंजाइश क्योंकि नहीं है, और किसी ने लेफ्ट की जगह राइट उठा दिया ना तो मैं घूंसा मार दूंगा उसको, कि जिस बच्चे को ये भी नहीं पता है उसका सर मुंडी अंदर ही होनी चाहिए, चेस्ट के अंदर। तो लेफ्ट वाला ऐसे करो, सब लोग हाथ बढ़िया निकालो ऊपर दिखाओ, छवि ऐसे करना है, ठीक। अब आपको आपने एक फ्लेमिंग का, रुक जाओ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा था ना, किस काम आता है भूमिका, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का क्या निकालती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल था वो, राइट हैंड थंब रूल था। अभी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा है क्या, पढ़ा ही नहीं अभी, तो तुम बताना भी शुरू कर दी, कितनी देखिए इंटरेस्टिंग, सब मालूम है सर, इंसाइक्लोपीडिया कुछ भी पूछो, पढ़ा है तो भी बताएंगे, नहीं पढ़ा तो भी बताएंगे, गुड, यही जोश हमें चाहिए, ऐसी तैसी बोलना तो यही है। अभी नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग का, है ना। अभी लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में सब लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे और ऐसे करेंगे तीनों उंगलियों को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, कर ली सबने। अब ये जो आपका अंगूठा है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये जो उंगली है कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, ये फोर फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो रहता है करंट का डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको याद रखने में लफड़ा होता है, भूल जाते हैं हम लोग, तो एक ट्रिक याद कीजिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, परिवार में सबसे तगड़े पिताजी, एम फॉर मदर और एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पूरे घर में एक पापा भले तगड़े हों लेकिन माहौल पूरा मम्मी बना के रख रही, मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करेंट चाइल्ड, वो भागा जा रहा घर से, ये दोनों लोग लाइन में है, ये बेचारा भाग रहा है, मैं जा रहा हूँ अंजिका बहुत हंस रही तो ये मैंने मजाक मजाक में ट्रिक बताई जिससे याद रख पाए, वरना भूल गड़बड़ा जाएगा दिमाग ना नन्या। तो फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, ठीक। अब अगर हमें इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो इन दोनों उंगलियों को सेट कर दो अपनी अपनी डायरेक्शन में, आ जाएगा फोर्स, जैसे कि याला उंगली किस तरफ जाती गौरी, मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ से साउथ था मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए उंगली इधर लगा दी सीधे, दिख रही है, अरे दिख रही भाई। अब करंट किधर जा रही है, करंट जा रही है अंदर की तरफ ना, ऐसे था ऐसे, तो करंट जा रही है ऐसे, ये देखो उल्टा है ना ये, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, करंट ऐसे ही थी ना, ये अंदर जा रही थी ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई करंट, फोर्स किधर है, नीचे, यानी अगर ऐसे इधर नॉर्थ है अंगूठे पे, इधर साउथ है और ये करंट इधर जा रही है, तो उस पर झटका पड़ेगा और ये नीचे चले जाएगा तुम्हारे, क्योंकि फोर्स किधर लगा है, नीचे, ठीक।
अब अगर इसी में सपोज करिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ऐसे करंट है, तो अब नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ, तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड तीनों ऐसे किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उंगली हो गई, ये बीच वाली मिडिल फिंगर किधर जाएगी, करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही, ऐसे ना बना देना, ये तो 2D में 3D पिक्चर बनी है ना, ये 2D तो आपको अंगूठा आपकी तरफ बाहर निकल रहा है, फाड़ के थोड़ी निकलेगा, आप समझ पा रहे मेरी बात, 3D है ना, ऐसे वायर, ऐसे ऐसे वायर, पकड़ में आ रही बात खुशी, नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, किसको नहीं आ रही, अरे वाह, और कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे करो कैमरे के सामने ही आ जाओ, रुक बता, अपने दोनों ऐसे हाथ को करो ऐसे, ये देखो ये थोड़ा अपने दूरी बनाओ थोड़ी, ये सात्विक हैं कैमरे में दिख रहे होते, टॉपर हैं अपने स्कूल के, इसीलिए इनको बोला हाथ ऊपर करो, ये नॉर्थ है इनका, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये हमारी करंट है, ये किधर जा रही है, अंदर इनके चेस्ट की तरफ ऐसे, तो जब आप दिख रहा फोटो, और लड़के बुलाएं, अच्छा तो अब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, उंगली उधर कर दी मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर थी, तो ये तो गलत है ना, ये तो बाहर की तरफ उंगली है हमारी, तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, देखो अब अंदर की तरफ गई उंगली, तो अंगूठा किधर बता रहा है, तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे ये ऐसे झटका खा जाएगा, इस नॉर्थ साउथ से निकलने की कोशिश करेगा, ना पसंद करता है उसको, इसको धक्का लगता है, ठीक, अब यही नॉर्थ साउथ है और करंट मान लीजिए ऐसे आ रही है बाहर की तरफ आपकी तरफ, तो ये बनाया ऐसे और करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, तो अंगूठा किधर है, तो ये तार ऐसे फुतक जाएगा ऊपर, फुत फुत, है ना, कुछ समझ में आ रहा है, अरे रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, अब सवाल ये उठता है, वैसे ये जो पूछ रहे हैं हम बता देते हैं, लेकिन ये सब बातें आगे पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन्होंने पूछ लिया इसलिए जानकारी दे रहे हैं, अगर वायर की करंट है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर, जो फोर्स लगता है उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो आप IBL साइन थीटा वो अभी नहीं पढ़ना, आप 12वें दर्जे में पढ़ेंगे, तो ठीक है, तो अगर ये हमारी वायर सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सपेरिमेंटली देखा है, ये नॉर्थ साउथ ऐसे है ना, थक गया हाथ खड़े खड़े ये, तो अगर तार ऐसे है और ऐसे करंट जा रही है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और उसके एंटी पैरेलल जा रही है उल्टी तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, कह लीजिए IBL साइन थीटा मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 तो भी 0, 180 तो भी 0, उतना नहीं समझना आपने, बाद में समझ लेंगे, अपने को इतना समझना है कि जब ये ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने, जब हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल उल्टा, तो उस समय इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, और जब उसके वो परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, और अगर इन दोनों के बीच में होता है किसी एंगल पे तो उसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, वो आप 12th में सीखोगे, किधर स्ट्रेट कर, नॉर्थ साउथ है ये, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लगाओगे, ये देखिए इन्होंने जो पूछा समझिए, इन्होंने क्या कहा कि साहब ऐसे करंट नहीं देंगे हम, ऐसे करंट देंगे, ये जा रहा है ट्वी रॉकेट, कोई बात नहीं जा रहे, तो हमने लगा ली पिस्तौल अपनी, नॉर्थ से साउथ फिट कर दिया, क्यों राजनंदिनी, और उसके बाद करंट किधर है, ऊपर टॉय, तो किधर फोर्स गया, अंदर ऐसे चला जाएगा, रुक जा, समझे, पहले वाला अभी समझा रहे ऐसे बना हुआ है डायग्राम में, या ना ये बता रहा हूँ, ये 3D पिक्चर बताई ना, ये नहीं है, ये ऐसे तार है, इतनी ऐसे आदमी खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए तुमको, बच्चे खड़ा कर दिया बेचारा, थक भी गया, पकड़ा पाए हो मेरी बात, तुम पकड़ी हो, पिक्चर दिखाओगी सुपर दंटी, चलो बैठ जाओ, गुड, आप बात समझ पाए मेरी, ये फील करना जरूरी, इसलिए इनको हमने बुला लिया आगे,
तो क्या हमने बातें बताई, इन इन शॉर्ट समरी साइनोप्सिस, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस वी विल नॉट स्टडी वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स बट वी विल सर्टनली नो या स्टडी वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. कितना लगता है इसकी जानकारी ट्वेल्थ में मिलती है आपको भरपूर, है ना. हमने ये जरूर जाना वैष्णवी कि अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता कहीं. और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल अपोजिट इन डायरेक्शन तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. और अगर किसी एंगल पर है, 90 बताया 0 बताया, किसी एंगल पे तो उस पर फोर्स लगता है. लेकिन आपको कंपोनेंट या वेक्टर्स की जानकारी नहीं है जो 11वें दर्जे से पढ़ाई शुरू होती है, इसलिए उसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ. क्योंकि वो चीज़ जब तक समझाई नहीं जाएगी मज़ा नहीं आएगा समझने में, ना टूटी टूटी नॉलेज रहेगी. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैं खुशी से पूछूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें फोर्स ना लगे इस तरह रखो, तो किस तरह रखो तुम? पैरेलल एंड नॉन पैरेलल, नहीं एंटी पैरेलल. नॉन पैरेलल का मतलब तो हो जाएगा पैरेलल ना हो. क्यों बोलते हैं ना, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, अंशिका में भी मेरी फेवरेट लड़की, अगर हम कैसी डायरेक्शन में रखें कि उसमें मैक्सिमम फोर्स लगे. अरे अंशिका, किसके बताओ बेटा फिर से रिया, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. हमें रिया से ही पूछ लेना था, है ना. गलती हो गई, रिया ने उसको बताया, उसने हमको बताया. चलिए बड़ी अच्छी बात. अच्छा एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अपनी साक्षी के लिए, वेलकम क्वेश्चन. साक्षी जी, अगर हम किसी एंगल पर रख दें कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही है तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? हाँ कि ना? लगेगा, लगेगा, लेकिन मैक्सिमम वाले से कम होगा और जीरो वाले से ज़्यादा होगा. इतना समझ लो, बहुत है, जरूरत से ज़्यादा समझ लिया हमने. इतना भी स्कूल में चर्चा नहीं हो पाएगी आपकी, हमें विश्वास है. गलत बोलने, विश्वास नहीं है लेकिन जैसा आप बताते हैं वैसा हो जाता है. विश्वास क्यों है, ईश्वर करे उससे ज़्यादा चर्चा हो स्कूल में. समझे आप? तो फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट लगा पाएंगे? अच्छा, अब इसी पहले मैंने बता दिया, अब क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बनाऊंगा जल्दी से जो आपको पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. किकिंग, किक किक, किक का मतलब क्या होता है अद्रिका? हाँ, फुटबॉल में किक मारते ना, फुटबॉल नहीं खेलते, किक. अरे भाई एक मिनट, तुम लोग बहुत झगड़ालू टाइप के हो ना. ठीक, हाँ तुम, यू आर अद्रिका, यू आर ऑलवेज करेंगे खुश हो आप. हाँ मतलब बर्दाश्त नहीं है कि कोई गलत कह दे. ठीक है, यू आर वेरी गुड, यू आर ऑलवेज करेंगे. और बोले तो हम लोग बात करते हैं किक की. तो किक होता है जैसे फुटबॉल में खेलते हैं, तो किक नहीं मारते. अरे पैरी को बोलते किक मारते, हाँ से मार फुटबॉल, हाँ से खेलती हो तो फिर जो फुटबॉल खेलोगी तो हाथ से मारे हैंड नहीं हो जाएगा फिर, वो फिर से वो फॉल हो जाता है. कुछ और बताने लगी है, तो किक की बात कर रहा हूँ. तो मैं थोड़ा रायता घोल रहा हूँ लंबा लंबा, जैसे हमें भी मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में. तो किकिंग वायर में क्या होगा, हम देखेंगे एक वायर को लटकाएंगे हम लोग, अभी देखेंगे, और वो किक मारने लगेगा ऐसे खट 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 खट. तो इसीलिए इसका नाम धर दिया गया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. किकिंग वायर नाटक इसलिए कि आपके दिमाग तक पहुंच जाए, किकिंग समझे ना, अब याद रहेगा किक मार रहा ना वायर, तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. अब फोटो बनाते हैं इसको, समझ में आया ना क्यों बोलते किकिंग वायर, क्योंकि किक मारता है. क्यों मारता है देखिए, आप चाहें तो ये भावना के बगल में बैठ सकती हैं, ये भावना ये है, हाथ उठाओ,
भूमिका सॉरी हाथ उठा दो, वो सीट खाली दो, ठीक टूटी है, अच्छा बदल लेना उसमें क्या है। ये तुम लोग सीट पे बैठ कर ना जो अंगड़ाई लेने लगते हो ना इसी में जाती है, तो कई लोग बैठ के उसी में पता नहीं क्या करने लगते हैं। अरे आराम से बैठो यार, सीट है उसी में टांग वांग सीधी करके बिल्कुल टूट गई। क्या लगवा दो अभी, कल भी बच्चा कह रहा था इसी लगवा दीजिए, गर्मी लग रही पसीना छूट रहा है। अरे ठीक है तुम कह रहे कैमरा लगवा दीजिए, डिमांड आती जा रही है। तो कोई कहते हैं सर घर पे गाड़ी भेज दिया लाने के लिए, बड़ी परेशानी होती साइकिल चलाने। आज एक जो सुपर 30 का डायलॉग बड़ा पसंद आया हमें यार, खैर वो तुमने पोत भी दिया, एक वीडियो भी बना दी है सुबह डाल दी थी, सुनाई दे दो फिर हम आगे बात करते थे, तो तुम लोग छाप ही रहे हो। एक तो वो तो बड़ा फेमस डायलॉग हर जगह है कि अब राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं होगा, अब राजा वही होगा जो इसका हकदार होगा, ये तो फेमस है। दूसरा उसने बड़ा अच्छा बोला ट्रेलर में देखा, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो जो उसका हकदार होगा, है ना बढ़िया। दूसरा डायलॉग भी अच्छा था, उसने कहा कि अमीरों ने क्या किया है, अपने लिए चिकनी चिकनी सड़कें बनवा ली हैं जिससे वो आराम से चल सकें, और गरीबों के लिए गड्ढे वाली सड़कें छोड़ दी हैं, लेकिन इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ गरीबों का, क्यों, क्योंकि गड्ढों पे हम लोगों ने उछलना सीख लिया, अब ऐसी लंबी छलांग लगाएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। अगर आप समझें इस बात को, अगर आपके सामने गड्ढे हो तो चलने के लिए उछल के कूद के ही तो चल पाओगे, और कूदने की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि छलांग भी लगा लेंगे अब तो। पता नहीं तुम्हारी समझ में आया नहीं आया। कुछ लोग बच्चे होते हैं उनको कुछ हंसाओ हंसाओ तो भी ऐसे बैठे रहते हैं, रुलाओ तो भी ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या है कौन सा फॉर्मूला अंदर लगा हुआ है। कुछ भाई नॉर्मल इंसान तो हंसाने हंसता है, परेशान करने पे दुखी होता है, कुछ होता है ना उसको पता ही नहीं चलता हो गया रहा है। और कुछ लोग तो क्या कहते हैं ना आजकल बड़ी प्रैक्टिस कर ली है, खुली आँख से सो जाते हैं, पलके भी नहीं जब खाने सो रहे हैं, अब देख के पता ही नहीं चल रहा, बोला हाँ भाई अच्छा सुनो इधर आ जाओ वापस, चलो इधर इधर शिवेंद्र बेटा ये फोटो तुम्हारे लिए सेल्फी। तो ये हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, जैसा हमने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया किकिंग वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी ये तार किक मारेगा अभी आप देखेंगे, और अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो लगे इसके 20 से जा रहा है, पता नहीं हम फील करा भी पाएंगे कि नहीं, इसकी ड्राइंग अचीव क्यों करा लेता हुआ। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगता है, ये सिद्ध करने वाला है, ये दिखाने वाला है। कैसे दिखाने वाला है कि हमने एक मैग्नेट रखा है, हॉर्स शू मैग्नेट कह लीजिए, नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेट जनरेट किया है, एक बीच में सिस्टम लगा, ये तार है, ये वायर, ये लिखा ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉपर वायर कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर दो छल्ले लगाएं जिससे आराम से उछल कूद सके जिस भी डायरेक्शन में जाना है, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स, वरना उछल कूद नहीं पाएगा, फंस जाएगा किसने, और उससे आगे एक सपोर्ट दिया है जिससे इसको फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ से एक वायर निकाला है जिसमें बैटरी कनेक्ट है, और एक की है क्लोज या ओपन करने के लिए, और ये नीचे छोटा सा एक छोटी सी वो रखी है कटोरी कह लो, वेरी छोटी मतलब जिसे आप बोलते हैं, इसके अंदर मरकरी भर रखी है आपने, ये मरकरी डैश डैश दिख रही है, छोटा सा मरकरी, क्यों, क्योंकि जो मरकरी होती है मेटल होती है वो कंडक्टर होती है, लेकिन थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, आपने देखी होगी थर्मामीटर जो पुराने आते थे तो टूट जाए तो वही सिल्वर कलर की मरकरी निकलती थी, हमने बचपन में खेला उससे, मज़ा आता ना ऐसे मारो तो पूरा गोला चलता है, ऐसे मारो तो पांच बन जाते हैं, पांच मतलब पांच दस जो भी है, फिर जोड़ दो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होता है, अगर आप मुंह में ले लें भगवान आपको ले लेगा फिर तो वो थोड़ा सा आपको संभालना होता है कि आप ऐसा हरकत ना करें, बाकी तो मज़ा आता है खेलने से, हमने खेला इसलिए मालूम है, वह अपने में जुड़े रहते हो।
तो यहाँ मरकरी डालते हैं, आप पूछे ना इससे पहले तो हम बता ही रहे हैं कि मरकरी होती है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है और वो कंडक्टर होती है, इसलिए इसके अंदर रखते हैं एक हिस्सा मरकरी, मरकरी में इसको डुबो देते हैं और दूसरा इस वायर को दे देते हैं। अब दोनों आपस में कंडक्टिंग चीज़ से ज्वाइन हो गए। अब जैसे ही की को ऑन करेंगे, ऑन का मतलब क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगी ना, ये देखिए ऐसे करंट जाएगी, ये जाएगी ना ऐसे करंट। अब करंट जब जाएगी इसके अंदर गई और दोनों क्या है, दोनों के अंदर पूरी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपसे हम पूछेंगे मिस्टर सार्थक से कि आपने जो रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का, उसके बेसिस पे तार जाएगा कहाँ, थोड़ा आपको डायग्राम समझाते हैं। ये नॉर्थ साउथ ऐसे रखा है जैसे अभी कि सात्विक ने रखा था, और तार ऐसे लटका है जैसा अभी रोहित राय पूछ रहे थे, करंट ये ढक्कन की तरफ करंट जा रही है ऐसे, है ना। अभी तार किधर जाएगा आपके रूल, फ्लेमिंग रूल के हिसाब से, ये नॉर्थ, ये साउथ और करंट नीचे बाहर की तरफ जाएगा बता रहे हैं। लेटेस्ट चेक, जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर, नॉर्थ से साउथ, मतलब हमारी ये तीन उंगलियां निकली फ्लेमिंग के लिए, याली उंगली नॉर्थ से साउथ लगा दी, दिख रहा था ना अभी बनाया था। और करंट किधर जा रहा है, नीचे, ये देखो नीचे, तो किधर जाएगा ये, बाहर की तरफ मतलब। तो ये जो वायर है ना बेटा, ऐसे बाहर चला जाएगा, ऐसे यहां तक बनाया, उछल के जाएगा, ये मत सोचना टच कर रहा है इसमें, कोई भरोसा नहीं, क्या सोच लो, बाहर की तरफ, सामने की तरफ, ठीक है। जैसे ही बाहर जाएगा ये तार, वैसे ही इसका मरकरी से डिसकनेक्शन हो जाएगा, मरकरी से बाहर निकल गया तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगी, इस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो इस वायर की कहानी क्या होगी, जैसे बाहर निकला था फोर्स लगने लगा, वैसे ही वापस आएगा, दोबारा टच हो जाएगा, फिर धक्का खाएगा, और ऐसे क्या करता रहेगा, ये किक मारता रहेगा। आप समझ पा रहे, तो ये शो करता है कि इस पर फोर्स तभी लगता है जब ये टच में आता है, और जब टच में नहीं आता तो कोई फोर्स नहीं लगता। तो किस चीज़ को इसने प्रूव किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है किकिंग वायर, द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। आपके यहाँ पूछा जाए कि एक एक्सपेरिमेंट बताइए या एक्सप्लेन कीजिए जो ये शो करता हो, तो यही शो करेंगे आप। अब आगे की जो बात करनी है वो थोड़ा सा, दो मिनट का इंट्रोडक्शन देके मैं रुक जाऊँगा। ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, बड़ा अच्छी बात, ऐसा होता है, अगर होता है तो हमारा फ़ायदा, ह्यूमंस का मतलब, हमारा का मतलब ह्यूमंस का क्या फ़ायदा। तो इन्होंने इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को देख के अपने लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें बना ली, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखी है मयंक? नहीं देखी इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर कार चलाने वाली बात नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर टुल्लू पंप में लगी होती पानी चढ़ाते हैं, वॉशिंग मशीन में लगी होती है, कपड़ा धोते हैं ना घूमती है, मिक्सी में भी होती है, हर जगह मोटर यूज़ कर रहे हैं भयानक तरीके से, होती है। तो आप घर में ही देखेंगे तो पचासों तरह की मोटर दिख जाएगी, जहाँ भी घुमाया जा रहा है इस पंखे में मोटर लगी हुई है, मोटर का मतलब कॉयल लगा हुआ है ना, कॉयल का मतलब उसी मोटर है, उसी को मोटर बोल रहे हैं। तो क्या होता है, इस मोटर को हम इसी प्रिंसिपल पे डिज़ाइन करते हैं, कैसे, हम इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं, और करने के बाद जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं कुछ चीज़ ऐसी लगाते हैं वो पूरी घूमने लगती, एक अपर्चर लग दें चौकंटा सा रेक्टेंगुलर पार्ट जो हम डिटेल नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। मान लीजिए ये है ना, अब यहाँ पर हमने क्या किया, तिकड़म की ऐसे ऐसे रख दिया साहब, यहाँ से करंट गई यहाँ से निकली, अब जब इसके ऊपर करंट भेजेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये करेगा तो इसको घुमाएगा, धक्का मारेगा ना, तो धक्का मारने की स्थिति में क्या होता है, ये घूमने लगता है पर्चर पूरा इसका, ये कॉइल जो होता है, ये एक तार नहीं है, इसमें हजारों कॉइलिंग कर दी जाती, बाइंडिंग कर दी जाती, और जैसे इसमें फोर्स लगता है, और सपोज करिए यहाँ निकाला और यहाँ हमने क्या लगा दिया, पंखे का विंग चार लगा देते, अभी घूमने लगा और बगल में बैठ के हवा खा रहे, पंखा चलने लगा, यहाँ इसको खड़ा खड़ा लगा दिया अपनी वॉशिंग मशीन में तो मोटर घुमाना शुरू कर दिया, आओ
टुल्लू पंप में पानी चढ़ाने वाले में लगा दिया तो चेक करना शुरू कर दिया, पानी खींचेगा और चढ़ा देगा, जज्बी पावर का आपने लिया। कुल मिला के इसको घूमना है, इस घूमने से बच्चों की टॉय कार देखी होगी, उसमें मोटर लगी होती है, बैटरी वैटरी से दे देते काम, उसे चलाते हैं टुई टुई, मज़ा आता चलाने में, बहुत तरह की उसमें लाइटें भी निकलती हैं, है कि नहीं। वैसे ही लाइटें निकालने लगे तो पुलिस चालान काट दे, तो पुलिस वालों के पास कई लाइटें रहती हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये इसका फ़ायदा उठाया गया किस प्रॉपर्टी का, कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें एक एक्सपीरियंस करोगे फोर्स, और उस फोर्स से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे कि हम जो फ़ायदा उठाएंगे अगली बार, जो डिवाइस आपको समझाएंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम लोग यहीं रोकते हैं, उम्मीद है कि सारा डिस्कशन बेहतर तरीके से आपने लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।